नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जोगलर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आए जी, डोक यार्ड अप्रेंटिसशिप स्कूल की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करते आपसे इंफॉर्मेशन मिस होने वाली है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है जी, ये देख सकते हो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जी, नेवल डॉकयार्ड मुंबई का अप्रेंटिसशिप का ये नोटिस है। ठीक है, किस किस ट्रेड की अप्रेंटिसशिप निकली हुई है पूरी की पूरी डिटेल बता रहे जाने हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देख सकते हो 338 वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप की। ठीक है जी, परमानेंट नहीं है। और सबसे पहले बात करें, अप्रेंटिसशिप 1 या 2 साल की होती है, मोस्टली 1 साल की होती है। ठीक है, और इस सभी अप्रेंटिसशिप के लिए आपकी आईटीआई एलिजिबल होनी जरूरी है। आईटीआई पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, अगर आपकी आईटीआई पास आउट नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। सबसे पहले कौन सी बात करें पोस्ट की, इलेक्ट्रिशियन के लिए आपकी इलेक्ट्रिशियन आप पास आउट होनी आईटीआई जरूरी है। इसमें 49 वैकेंसीज हैं, 5 SC की, 4 ST की, 9 OBC की, 29 जनरल की और PWD की एक है जी, ए आर्म्ड की एक है, और इसमें टोटल में 49 पोस्टें हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोप्लेटर की पोस्ट है जी, एक पोस्ट है, वो भी जनरल की है, और इसमें मारीन इंजन फिल्टर की पोस्ट है और 36 पोस्टें हैं। फाउंड्री मैन की पोस्ट है, 2 पोस्टें हैं। पैटर्न मेकर की है, और इसमें कारपेंटर आईटीआई वाला और पैटर्न मेकर आईटीआई वाला अप्लाई कर सकता है, 2 पोस्ट हैं। ये कैटेगरी वाइज अपनी देख सकते हो। मैकेनिकल के डीजल मैकेनिकल में डीजल मैकेनिकल आईटीआई मांग रखी है, 39 पोस्टें हैं। इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की पोस्ट की बात करें तो 8 पोस्टें हैं। मशीनिस्ट की 15 पोस्टें हैं। मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस के 15 पोस्टें हैं। पेंटर जनरल की 11 पोस्टें हैं। शीट मेटल वर्कर की 3 पोस्टें हैं। प्लम्बर की 22 पोस्टें हैं। मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर एंड AC की 8 पोस्टें हैं। टेलर की, ट्रेलर में ड्रेस मेकर, टेलर और सीइंग टेक्नोलॉजी में जिन्होंने आईटीआई की है उनकी 4 पोस्टें हैं। गैस इलेक्ट्रिकल वेल्डर की, वेल्डर में जिन्होंने आईटीआई की हुई है उनकी 23 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की आपकी 28 पोस्टें हैं जी। शिप राइट वुड की, कारपेंटर की हो बंदे ने आईटीआई, 21 पोस्टें हैं। फिटर में, फिटर की 5 पोस्टें हैं जी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पोस्टों की बात करें तो इसमें आपकी मैसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर की बात है जी, इसमें मैसन में आपकी आईटीआई होनी जरूरी है, 8 पोस्टें हैं। INCTSM की, ITESM की 3 पोस्टें हैं। टोटल में आपकी 303 पोस्टें देखने को मिल गई, जिनमें से 181 पोस्टें तो जनरल जनरल कैटेगरी की है, बाकी ये आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल गई है। और इसमें ट्रेनिंग पीरियड आपका 2 साल का रहने वाला है, कौन सी ट्रेड्स का, बाकी सभी का आपका 1 साल का रहेगा। इनमें से कौन कौन सी ट्रेड है जी, शिप राइट स्टील जो कि फिटर की वैकेंसीज हैं, 20 पोस्टें हैं। रिगर यानी फ्रेशर रिगर की 1 पोस्ट है, 14 पोस्टें हैं। और उसके बाद फॉरगर और हीट ट्रीटमेंट ट्रीटर की 1 पोस्ट है। ये जो है इनकी सिर्फ 3 पोस्टों की 2 साल की अप्रेंटिसशिप रहने वाली है, बाकी सभी की एक एक साल की अप्रेंटिसशिप है। ठीक है जी, इन 3 पोस्टों को छोड़कर बाकी सभी पोस्टों की एक एक साल अप्रेंटिसशिप है। जो मैंने आपसे पहले भी कहा भी अप्रेंटिसशिप आपकी लिमिटेड रहने वाली है, किसी की 1 साल की, किसी की 2 साल की। ये शिपराइट स्टील, फिटर की, रिगर की, फोरगर है और हीटर ट्रीटर की आपकी 2 साल की अप्रेंटिसशिप है। बाकी जो बाकी बच गई पोस्टें, 17 पोस्टें, सारी की सारी 17 पोस्टें 1 साल की अप्रेंटिसशिप है। रूल रेगुलेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स रहने वाला है। ठीक है जी, और 3% पर्सन विद द डिसेबिलिटी, जिनको डिसेबिलिटी है 40% से ज़्यादा, 3% अप्रेंटिसशिप सीटें उनके लिए रिजर्व हैं। आर्म्ड फोर्स यानी कि एक्स सर्विसमैन बंदे हैं, उनके चिल्ड्रंस की भी 3% रिजर्वेशन अलग से रहने वाली है। और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन की बात करें तो इसमें भी क्वालिफिकेशन आपकी मांगी हुई है, 65% से आपकी आईटीआई पास आउट ट्रेड होनी जरूरी है,
65% कंपलसरी है जी। अगर 65 से कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो सकते, आप अप्लाई मत कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ की बात करें, 1 अगस्त 2001 से लेकर 31 अक्टूबर 2008 के बीच में आपका बर्थ हुआ होना चाहिए। और फिजिकल में टेस्ट की बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, तो फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी 150 सेंटीमीटर हाइट, 45 kg से कम आपका वेट होना चाहिए 45 किलो से, और चेस्ट एक्सपेंडेबल आपकी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आई साइट आपकी करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपने कहीं से अप्रेंटिसशिप पहले भी की है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते, ठीक है जी। और फर्स्ट ईयर में जो कैंडिडेट, जो कि 3 पोस्टें मैंने बताई हैं, वो सिर्फ 1 साल के लिए वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल की अप्रेंटिसशिप, उनकी 7,000 पर मंथ आपका पे क्या ले स्टाइफंड रहेगा, पे स्केल नहीं कह सकते, स्टाइफंड रहेगा। और 6,000 फ्रेशर के लिए, अगर एक्सपीरियंस हो, थोड़ा बहुत वर्क जानते हो, या आईटीआई में आपने कुछ काम किया है, कोई भी आपको वैसे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है, तो आपकी 7,000 स्टाइफंड, और अगर आप फ्रेशर हो तो 6,000 आपका स्टाइफंड रहने वाला है। और सेकंड ईयर में ट्रेनिंग में जो 3 पोस्टें बच गई थी, उन 3 पोस्टों की सेकंड ईयर में इसके प्लस 10% आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी कि मान के चलिए अगर 7,000 एक्सपीरियंस वाले लेंगे तो 7,700 हो जाएगा, अगर आप फ्रेशर के तौर पर अप्लाई करोगे तो 6,600 आपका पे स्केल स्टाइफंड हो जाएगा। स्कीम क्या है जी इसमें सिलेक्शन की, सिलेक्शन कैसे होगा आपका? सिलेक्शन सिर्फ एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, वो भी मुंबई में होगा, वो भी अगस्त में। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 100 मार्क्स के आपके 100 ही क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएंगे, और बाई लैंग्वेज में आपका एग्जाम रहने वाला है। सेंटर आपका एग्जैक्टली होगा तो मुंबई ही, कौन सा है वो आपको एट द टाइम बता दिया जाएगा, ठीक है जी। अभी साइट अंडर प्रोसेस चल रही है, वैसे मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, और ये फॉर्म 21 जून से फिलअप होने स्टार्ट है जी। कब से? 21 जून से, यानी कि परसों से आपके फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो कैंडिडेट्स एग्जाम में क्लियर होंगे, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट लगेगी, शॉर्ट लिस्ट के बाद ही आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे और आपका सिलेक्शन किया जाएगा मेरिट लिस्ट के बेस पर, ठीक है जी। आईटीआई मार्क्स और मेरिट लिस्ट के पर, प्लस में आपका जो टेस्ट होगा उसके बेस पर, ठीक है। मेडिकल रूल आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होगा, जो कि बंदा मेंटली फिट है या नहीं है, ठीक है जी। और कोई भी आपको ट्रैवलेंस एक्सपेंसेस नहीं दिए जाएंगे, आने जाने का खर्चा कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ये चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये होगी कंप्लीट। रिजेक्शन कैसे होगी? अगर आप कोई इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं दोगे, कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी, तो इसमें देख सकते हो examjobalert.com पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दिया। 10+ ITI इसमें मांगी हुई है, 338 पोस्टें हैं, और 7,000 से 9,000 के बीच में, वही बात मैंने सर्कल और ओवरऑल बता दी है। 21 जून से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट होंगे जी, और लास्ट डेट 8 जुलाई। कितनी है जी? 8 जुलाई। इसकी फीस कोई नहीं है, 21 साल मैक्सिमम एज मांगी हुई है। अलग अलग पोस्टें आपको वन ईयर की ट्रेनिंग की जो जो ट्रेड्स हैं, ये सारी 17 ट्रेड्स आपको दिखा दी हैं, और उसके बाद जो 3 ट्रेड बची 2 ईयर ट्रेनिंग के लिए, वो भी आपको लिस्ट दे दी है। इसमें 50% आपके 10वीं में, और 65% आपके आईटीआई में होने कंपलसरी है। नंबर आपकी एनसीवीटी से आईटीआई पास होने भी कंपलसरी है, हाईलाइटर आपको दे दिए, ठीक है जी। और उसके बाद 1 अगस्त 2000 के एक से लेकर 31 अगस्त 2008 के बीच में, यानी कि आपकी कम से कम 14 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल एज मिनिमम चलेगी, इसके बीच में आपका बर्थ हुआ होना चाहिए, ठीक है जी। और रिटर्न एग्जाम होगा जी अगस्त 22 में, इसी 2 महीने बाद आपका एग्जाम होने वाला है। 100 मार्क्स का मल्टी चॉइस क्वेश्चन का होगा, और इसमें ये सारी हाइलाइट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए, यहाँ पर लिंक अप्लाई प्रोवाइड करवा दिया। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्रिएटेड हो रही है वर्क साइट, इसलिए आपको ये साइट परसों आपको होस्टेड
ओपन मिल जाएगा परसों, नहीं तो उसके अगले दिन मिल जाएगा, ठीक है जी। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो इजी वे में, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर किसी ने हमसे अप्लाई करवाना हो तो वो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर, या अप्लाई नाउ पर क्लिक करके भी कर सकते हो। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है। इसी तरह की अगर और इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे। वीडियो और वेब पोर्टल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।